पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बयानों और दावों की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच इमरान खान ने कहा है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा उनसे अक्सर कहते थे कि पाकिस्तानी सेना भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अटलांटिक काउंसिल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इमरान ने ये बात कही है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान जिक्र किया गया कि जनरल बाजवा से जुड़ी रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें सामने आई थी कि पाकिस्तानी सेना के पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए वो भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और भारत के साथ शांति जरूरी है। जब इमरान से पूछा गया कि क्या इस तरह की बातें उनके ऑफिस तक भी पहुंची, तो इमरान ने कहा कि बाजवा अक्सर उनसे ऐसी बातें किया करते थे। इमरान ने यह भी कहा कि इस तरह की बातों को गुप्त रखा जाना चाहिए और अपनी कमजोरी को कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इमरान जब प्रधानमंत्री थे तब विपक्ष उन पर आरोप लगाता था कि वो सेना के समर्थन से चुनाव में धांधली करके सत्ता में आए हैं। ऐसे में उस वक्त उन्हें सेना का करीबी माना जाता था। हालांकि बाद में चीजें बदल गईं और अब इमरान सेना पर अपनी हत्या की साजिश रचने तक का आरोप लगा चुके हैं। बात फिर से इमरान के हालिया इंटरव्यू की करें, जब उनसे पूछा गया कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने को लेकर उन्होंने अपने विचार क्यों बदल दिए, क्या इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का दखल था, तो उन्होंने कहा, मैं सैन्य तरीके से कोई समाधान निकालने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं हमेशा इस तरीके के खिलाफ रहा हूँ। मैं हथियारों के इस्तेमाल और युद्ध के खिलाफ रहा हूँ। परमाणु हथियार रखने वाले दो देशों के बीच तनाव के बारे में नहीं सोचा जा सकता। यूक्रेन में अभी जो चल रहा है, मुझे तो उसकी भी चिंता है। हालांकि यहाँ इमरान ने कश्मीर का राग अलापते हुए कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया और फिर भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार नहीं आ पाया, जबकि भारत लगातार दो टूक कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है।